अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स को। इससे पहले हम प्लांट्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं। एनिमल्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के प्रोसेसेस को, कि कैसे एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेन, एक सिंगल सेल्ड एग से कंप्लीट कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इस दौरान में जो भी चेंजेस आती हैं, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे के सारे एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी किए जाते हैं। डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है, ये बेसिकली एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होती हैं एग से लेकर एडल्ट फॉर्म या उससे आगे तक का जो प्रोसेस है। इसके अंदर काफ़ी सारी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं और ये स्टेप्स बेसिकली इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, यानी कि वापस इसमें एडल्ट से यंग फॉर्म में वापस जाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ये चेंजेस जो हैं, इसके अंदर हर स्टेप जो है वो अपने से अगले स्टेप के लिए राह हमवार करता है, यानी कि स्टेप वन के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसके वजह से ऑटोमेटिकली स्टेप टू चल पड़ेगा, और स्टेप टू के अंदर जो चेंजेस आएंगी उसकी वजह से ऑटोमेटिकली स्टेप थ्री जो है वो चलेगा। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो है वो तकरीबन एक जैसी होती है। काफ़ी सारे स्टेप्स जो हैं इनके अंदर मिलते जुलते होते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो बड़ी हद तक सेम है। डेवलपमेंट के अंदर जो बेसिक स्टेप्स हैं वो तमाम एनिमल्स के अंदर एक जैसे होते हैं। सबसे पहले जो है वो गैमीट फॉर्मेशन होती है, यानी दो तरह के गैमीट्स बनते हैं। एक जो है वो मोटाइल स्पर्म होता है और दूसरा जो है वो नॉन मोटाइल लार्ज साइज्ड एग होता है। एग और स्पर्म जो हैं इनको हम गैमीट्स कहते हैं। तो डेवलपमेंट में सबसे पहले जो है गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। गैमीट्स आपस में मिलते हैं और उसके नतीजे में डाइप्लॉइड जाइगोट बनता है। डाइप्लॉइड जाइगोट के अंदर फिर डिवीजन्स का प्रोसेस शुरू होता है। ये डिवीजन्स जो हैं इनको हम क्लीविज कहते हैं। इन क्लीविज के अंदर क्या होता है कि ये सेल जो है एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होगा, फिर दो से चार सेल्स बनेंगे, चार से फिर आठ सेल्स बनेंगे, और इस तरह ये डिवीजन्स होते होते एक बॉल ऑफ सेल्स बनेगी, जिसको हम ब्लास्टोमियर, जिन सेल्स को हम कहते हैं, और ये स्टेज जो है ब्लास्टुला स्टेज कहलाती है। फिर इस बॉल के अंदर सेल्स की मूवमेंट शुरू होती है और उसकी वजह से उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, और गैस्ट्रुलेशन के दौरान में सेल्स तीन जर्म लेयर्स के अंदर अरेंज हो जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनोजेनेसिस का, कि ये जो जर्म लेयर्स के अंदर सेल्स अरेंज हैं उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं। सेल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर उसके जब ऑर्गन्स कंप्लीट बन जाते हैं तो उसके नतीजे में जो इंडिविजुअल्स हैं, यंग इंडिविजुअल्स, उनकी बर्थ होती है, और फिर वो अपने साइज़ में, इंडिविजुअल्स अपने साइज़ में या उनके ऑर्गन्स जो हैं वो साइज़ में ग्रो करते हैं, और फिर वो कंप्लीट एडल्ट बॉडी फॉर्म तक ग्रो करके पहुंचते हैं। डेवलपमेंट की स्टडी के लिए हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं चिक को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। मॉडल ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि इसको आमतौर पे हम रिसर्च वगैरह के अंदर आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चिक को क्यों इस्तेमाल करते हैं? चिक को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि चिक के एग्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। इसकी काफ़ी सारी चीज़ों की डेवलपमेंट जो है इनको नेकेड आई के साथ देखा जा सकता है और आसानी के साथ इनको लेबॉरेटरी में हैंडल किया जा सकता है। तो चिक को स्टडी करके हम डेवलपमेंट के बेसिक स्टेप्स को आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस चिक के अंदर होती हैं, तकरीबन वही सारे जो हैं तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर भी उनसे मिलते जुलते प्रोसेसेस ही होते हैं। अब चिक की डेवलपमेंट में सबसे पहला जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले तो एग बनता है। एग जो है वो हैन की ओवरी के अंदर बनता है, और ओवरी से एग रिलीज़ किया जाता है, और फिर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं,
इसके अंदर ये एग जो है वो मूव करता जाता है। अब ये जो चिक का एग जो है इसको एक्चुअली हम जो अंडे की आपने जर्दी देखी हुई है वो एक्चुअली एग होता है, असल एग वो है। उसके अलावा इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कवरिंग्स होती हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इसके अराउंड सिक्रीट करता है, और इनमें से कुछ कवरिंग्स जो हैं वो फूड का काम करती हैं, कुछ जो हैं प्रोटेक्शन देने के लिए इन्वॉल्व होती हैं। चिक के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, यानी कि मेल हैन जो है कॉक उसके स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर डाल दिए जाते हैं, और ये स्पर्म जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही वक्ती तौर पे स्टोर होते हैं। तो जब ओवरी से एग रिलीज होता है और ये फलोपियन ट्यूब के अंदर मूव करता है, तो ये मूव करता हुआ स्पर्म्स के साथ मिलता है और उसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो एक्स्ट्रा कवरिंग्स हैं, मसलन एग एल्ब्यूमिन है, वो सिक्रीट की जाती है, और उसके ऊपर फिर यूट्रस जो है वो शेल ऐड कर देता है, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल जो बॉडी से बाहर आकर फिर बिल्कुल पक्का हो जाता है। अब जब एग को ले कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, तो उस वक्त वक्ती तौर पे चिक की डेवलपमेंट जो है वो स्टॉप हो जाती है, अब फर्दर प्रोसीड नहीं करती जब तक के हैन उस अंडे के ऊपर बैठे ना, उसको इनक्यूबेट ना करे, उसको प्रॉपर टेम्परेचर ना दे। तो अंडा जो मुर्गी जो अंडा देती है वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली फर्टिलाइज्ड एग है, लेकिन उस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस वक्ती तौर पे फिलहाल रुक चुका है। उसके बाद मुर्गी जो है वो अंडे के ऊपर बैठ जाती है और उसको अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो देती है, मुर्गी की बॉडी का टेम्परेचर तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब अंडे का टेम्परेचर रखा जाए तो उस वक्त डेवलपमेंट शुरू होती है, और ये डेवलपमेंट जो है चिक की डेवलपमेंट 21 दिनों में 21 डेज के अंदर पूरी हो जाती है, और 21 दिनों के बाद चूज़ा जो है वो अंडा तोड़कर बाहर निकल आता है। ये जो डेवलपमेंट है, अब होता क्या है कि बेसिकली अंडे के अंदर, मैंने आपको बताया कि अंडे के सबसे बाहर जो है वो ये शेल मौजूद है, और शेल के नीचे जो है वो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं जो गैस एक्सचेंज का और प्रोटेक्शन वगैरह का काम करती हैं, और उससे नीचे फिर यहाँ पे ये सारी जो है एल्ब्यूमिन है, अंडे की सफ़ेदी है, और इस एल्ब्यूमिन ये प्रोटीन होती है जो एक्चुअली अंडे के लिए फूड का काम करती है। इसके अलावा अंडे के सबसे दरमियान में योक होती है, आपको पता है, और ये एग योक जो है ये भी प्रोटीन की और इम्पॉर्टेंट विटामिन वगैरह की बनी हुई होती है, और इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स चिक को बनाने के लिए चाहिए वो सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके ऊपर एक कॉर्नर पे एक छोटा सा स्पॉट होता है जिसको हम ब्लास्टो डिस्क कहते हैं। ये ब्लास्टो डिस्क एक्चुअली साइटोप्लाज्म होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और ये साइटोप्लाज्म जब एग को इंक्यूबेट किया जाता है तो उस वक्त इसके अंदर ये सेल जो है वो दोबारा इसके अंदर डिवीजन शुरू हो जाती हैं। ये एक्चुअली वो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है, ये डिवाइड करना शुरू करेगा, और जब ये डिवाइड करेगा तो उसके नतीजे में एक स्मॉल डिस्क बन जाती है, एक छोटा सा ऊपर गोल सा सिक्का नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है जो योक के ऊपर तैर रहा होता है। इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टो डिस्क कहते हैं। एक्चुअली सेल्स जो हैं वो सिर्फ ब्लास्टो डिस्क के अंदर मौजूद होते हैं, बाकी ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली सरप्लस फूड है जिसको एब्जॉर्ब करके वो सेल्स जो हैं ग्रो करते हैं और अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को आगे चलाते हैं। तो इस किस्म की क्लीविज को, जिसके अंदर सेल्स जो हैं वो योक के ऊपर एक डिस्क की फॉर्म में मौजूद होते हैं, इसको हम डिस्कॉइडल क्लीविज कहते हैं। ये अर्ली जो डिवीजन्स हैं ये अर्ली डिवीजन्स माइटोटिक डिवीजन्स क्लीविज कहलाती हैं। तो इस किस्म की क्लीविज जिसके अंदर सेल्स योक के ऊपर डिस्क की फॉर्म में मौजूद हों, इसको डिस्कॉइडल क्लीविज कहते हैं। अब क्लीविज का जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले तो हमने देखा कि एक सेल होता है, और इस सेल ये जो सेल है ये वर्टिकली लंबाई के रुख डिवाइड करता है, और इसके नतीजे में दो सेल्स बन जाते हैं।
ये दो सेल्स मजीद वर्टिकली डिवाइड करते हैं और दो से चार बनते हैं, चार से आठ और आठ से 16, और ये पूरी सरफेस के ऊपर जो है वो पूरी एक डिस्क बना देते हैं योक के ऊपर एक छोटी सी। अब उसके बाद क्या होता है कि ये सेल्स जो हैं ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवाइड करते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है कि ये टू सेल लेयर थिक जो है एक मेम्ब्रेन बन जाती है। बाद में डिवीजन जो हैं वो इररेगुलर हो जाती हैं, लेकिन कमोबेश दो या तीन सेल लेयर थिक जो है वो मेम्ब्रेन एक डेवलप हो जाती है। काफ़ी सारी डिवीजन्स के बाद योक के ऊपर आपको एक बड़ा सा मैस नज़र आएगा सेल्स का। ये मैस ऑफ सेल्स जो है इनको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं, और ब्लास्टोमियर्स जो है इसके अंदर दो या तीन सेल्स पर मुश्तमिल एक मोटी सी लेयर नज़र आएगी। इस लेयर को हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं। इस ब्लास्टोडर्म और योक के दरमियान में एक छोटी सी कैविटी बन जाती है, यहाँ पे फ्लूड भर जाता है, इसको हम सब जर्मिनल कैविटी कहते हैं। ये नीचे आपको योक नज़र आ रही है, ऊपर ब्लास्टोडर्म है, और ब्लास्टोडर्म और योक के दरमियान में थोड़ी सी जगह खाली है। अभी ये जो लेयर बनी है इसको हम कहते हैं मोरूला स्टेज। मोरूला स्टेज से नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे आप अगर नोट करें तो जो सेंटर में मौजूद सेल्स हैं ये साइज़ में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसके मुकाबले में जो किनारे के ऊपर यानी कि ये सेंटर है यहाँ पे सेल्स छोटे होंगे, उसके मुकाबले में जो ब्लास्टोडिस्क का किनारा है यहाँ पर सेल्स जो हैं वो ज़रा पतले पतले और फ्लैट और लंबे लंबे से होते हैं, और इन्होंने योक को कवर किया हुआ होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो टू या थ्री सेल लेयर थिक ब्लास्टोडर्म है ये ब्लास्टोडर्म के अंदर इसके दरमियान में एक कैविटी बनना शुरू होती है, जिस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं, और ये कैविटी वाली स्टेज जो है ये ब्लास्टूला स्टेज कहलाती है। अब ये जो सेल्स हैं ये एक्चुअली दो लेयर्स में बढ़ जाते हैं। नीचे वाली जो लेयर है ये हाइपोब्लास्ट कहलाती है, हाइपो का मतलब होता है नीचे, और ऊपर वाली लेयर जो है ये एपीब्लास्ट कहलाती है, यानी कि एपी का मतलब होता है ऊपर। तो हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट दो लेयर्स बन जाती हैं, और इन दोनों के दरमियान में ये ब्लास्टोसील आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मार्जिनल सेल्स हैं, जो किनारों पर जो सेल्स हैं ये अभी तक योक से जुड़े हुए हैं, इसके मुकाबले में हाइपोब्लास्ट के नीचे भी कुछ जगह खाली है, और एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में ब्लास्टोसील आ गई है। तो ये जो मार्जिनल सेल्स अभी तक जुड़े हुए हैं इसको अगर आप ऊपर से देखें तो ये इस तरह इन्होंने एक जोन ऑफ जंक्शन या मार्जिनल जोन बनाया हुआ है, जिसको जोन ऑफ जंक्शन कहते हैं, जहाँ पे सेल्स एक्चुअली जुड़े हुए हैं अभी तक योक के साथ। जो ब्लास्टोडर्म के एक्चुअली सेल्स हैं वो योक से सेपरेटेड होते हैं और इनके नीचे पानी भरा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये जो दरमियान वाला एरिया है जहाँ पे सेल्स थोड़े से ये इस एरिया में थोड़े से उभरे हुए हैं और इनके नीचे पानी भरा हुआ है, इसको हम एरिया पेलुसिडा कहते हैं। पेलुसिडा का मतलब होता है कि ये रिलेटिवली थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रीजन होता है। इसके मुकाबले में जो इर्द गिर्द का ब्लास्टोडिस्क के इर्द गिर्द का जितना भी रीजन है, जहाँ योक वाला जो रीजन है इसको ये ओपेक होता है, इसके अंदर से लाइट नहीं गुजर सकती, तो इसको हम एरिया ओपेका लैटिन में कहते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में एक दफ़ा हम समरी देख लेते हैं। हमने आज स्टडी किया कि डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स कैसे होती है, और एनिमल की डेवलपमेंट की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम चिक को मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है और इसको आसानी के साथ लेबॉरेटरी के अंदर मैनिपुलेट किया जा सकता है। बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि बेसिकली कॉमन होती हैं तमाम एनिमल्स के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले गेमीट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, इंक्यूबेशन होती है। फर्टिलाइजेशन जब एक्सोस्पर्म आपस में मिल जाते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट को प्रॉपर टेम्परेचर प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, इंक्यूबेशन हो उसकी,
तो फिर वो उसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होती हैं। इन अर्ली डिवीजन्स को, माइटोटिक डिवीजन्स को हम क्लीविज कहते हैं। क्लीविज के नतीजे में मोरूला बनता है, एक बॉल ऑफ सेल्स। उस बॉल के अंदर फिर एक कैविटी डेवलप होती है और इस स्टेज को हम ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं। आज के लिए इतना ही। इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि ब्लास्टुला के अंदर फर्दर कौन सी चेंजेस आती हैं और कौन कौन से डेवलपमेंटल स्टेप्स होते हैं। थैंक यू।